सो गाइज दिस कमेल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैपकार्ट के अंदर आप ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और जल्दी से हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कैपकार्ट के अंदर। तो कैपकार्ट पर आने के बाद सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो से फ़ोटो के ऊपर सिंपली क्लिक करना है और आपको सबसे पहले एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा कैपकार्ट के अंदर, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जो ब्लैक आपको बैकग्राउंड मिलता है यानी कि ब्लैंक स्क्रीन जिसके अंदर कैपकार्ट लिखा हुआ मिलता है, इसको डिलीट कर लेना है। सो सिलेक्ट करेंगे, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। उसके बाद जो बैकग्राउंड आपने ऐड किया इस पर क्लिक करना है, इसका टाइम ड्यूरेशन आपको बड़ा कर लेना है। आप जितने सेकंड का स्टेटस वीडियो बनना चाहते हो उसी के हिसाब से आप इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है प्लस एड ऑडियो, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से साउंड्स को सिलेक्ट करेंगे। साउंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्टेड और फ्रॉम डिवाइस। आप फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करना और यहाँ पर अपना जो सॉन्ग है जिस सॉन्ग का आप लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनना चाहते हो उस सॉन्ग को आपको ऐड कर लेना है और आप यहाँ पर अपना जो सॉन्ग है उसका टाइटल सर्च भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपनी जो अपना जो सॉन्ग है उसको टाइप कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सॉन्ग आ चुका है तो मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। सो ये वाला प्लस आइकन पर क्लिक करना है तो आपका सॉन्ग आ जाएगा। तो सबसे पहले सॉन्ग को आपको प्ले करना है और देखना है कि आपका जो सॉन्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक हमारा सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट इसको हम डिलीट कर लेंगे एंड म्यूजिक को ट्रैक करके स्टार्टिंग पर लेके आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर अपनी जो सॉन्ग है उसका लिरिक्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर इमेज वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आर्ट इमेज है उसको ऐड करेंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का इमेज उसको हम बाद में ऐड करेंगे। सो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इमेज हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है अपनी सॉन्ग का लिरिक्स लिख लेना है, उसके बाद हम उसके अंदर ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे, इसके अलावा रेनड्रॉप इफेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट, आप सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो भी आपकी सॉन्ग का लिरिक्स है उसको यहाँ पर टाइप कर लेना है। लाइक सबसे पहला जो लाइन है उसको टाइप करना है कुछ इस तरीके से आपको। सो मैंने आप देख सकते हो अपने सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन है उसका टाइप कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है एनिमेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे एंड एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको स्टाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से आप एक फॉन्ट अप्लाई कर लेना। आपको यहाँ पर काफ़ी सारा स्टाइलिस्ट फॉन्ट मिल जाता है, सो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है उसे आप अप्लाई कर सकते हो एंड आपको यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग टाइप का इनबिल्ट फॉन्ट मिल जाता है कैपकार्ट के अंदर। तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ से एक नॉर्मल सा फॉन्ट अप्लाई करता हूँ, लाइक कि यहाँ से वाला फॉन्ट को मैंने अप्लाई कर लिया और साइज़ को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। उसके बाद सीधा आपको आ जाना है एनिमेशन पर एंड एनिमेशन पर आने के बाद आप यहाँ से कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर ढेर सारा एनिमेशन मिल जाता है, सो जो भी आपको अच्छा लगता है आप कोई जब एक एनिमेशन सिलेक्ट कर लेना। वैसे तो आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट टाइप का एनिमेशन मिलता है लेकिन आप अपने हिसाब से एनिमेशन अप्लाई करना। तो मैं यहाँ से ये वाला एनिमेशन को अप्लाई करूँ, आप देख सकते हो इसका नाम है कॉन्स्ट्रेक्ट। ठीक है, सो कुछ ऐसा नाम है, सो मैंने अप्लाई कर लिया एंड उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है इन के बगल में आउट, आउट पर क्लिक करना है और जो एनिमेशन आपने अप्लाई किया उसका ऑपोजिट एनिमेशन आपको अप्लाई कर लेना है। सो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर लेना। ठीक है, एंड उसके बाद कर देना डन। सो आपको यहाँ पर एक डन का ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हो इस पर क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यह हमारे सॉन्ग का जो सबसे पहला लाइन वो आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट का जो साइज़ है जो ड्यूरेशन है उसको कम कर लेना है, कम करके राउंड आपको कर लेना है 1.5 सेकंड। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कर लेते 1.5 सेकंड। सो इसका टाइम ड्यूरेशन हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इतना तक सही है। सो अभी प्ले करते और ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। ओके, तो अभी क्या करना है आपको इसे यहाँ पर अपना जो पोजिशन उसको स्क्रीन पर सेट कर लेना है, लाइक इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हम इसके अंदर अपना इमेज वगैरह भी ऐड करेंगे तो हम इसको यहाँ पर रख लेंगे। और अभी क्या करना है आपको ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है कॉपी, कॉपी पर क्लिक करेंगे और इसको आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसी को आप ड्रैग करके आगे लेके आ जाना और आने के बाद आपको क्या करना है इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, सो ये वाला जो स्टाइल है आप इस पर क्लिक करेंगे और इस लाइन को आप रिमूव कर लेंगे यहाँ से
रिमूव करके आप अपनी सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन है उसको टाइप करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन है उसको टाइप कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने टाइप कर लिया और इसको हम थोड़ा यहाँ पर सेट कर लेते एंड उसके बाद क्या करना है, कर देना है डन। सो आप चाहो तो इसका एनिमेशन चेंज कर सकते हो, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो और उसके बाद कर देना है डन। सो हमारी सॉन्ग का नेक्स्ट लाइन आ चुका है। अगेन आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आप इसे ड्रैग करके आगे लेके आ जाना लाइक कुछ इस तरीके से। और उसके बाद क्या करना है, सो आपको अगेन इसे एडिट कर लेना है। सो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करेंगे, इस लाइन को रिमूव कर लेंगे, रिमूव करके नेक्स्ट लाइन टाइप करेंगे आप। सो कुछ इस तरीके से आप टाइप कर लेना नेक्स्ट लाइन। सो आप देख सकते हो मैंने नेक्स्ट लाइन टाइप कर लिया। ओके, उसके बाद अगेन आप इसका जो फॉन्ट है उसे चेंज कर सकते हो, एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद कर देना है डन। सो अगेन क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है, कॉपी पर क्लिक करके और उसके बाद आप इसे ड्रैग करके आके लेके आ जाना। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने ड्रैग करके आके लेके आ चुका हूँ। अगेन आपको क्या करना है, सो स्टाइल पर क्लिक करके इसको रिमूव कर लेना है और रिमूव करके अपनी सॉन्ग का जो नेक्स्ट लाइन है उसको टाइप करना है। सो आप देख सकते हो मैंने नेक्स्ट लाइन टाइप कर लिया और उसके बाद कर देना है डन। सो अगेन आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी पर क्लिक करके उसके बाद आप इसे ड्रैग करके आगे लेके आ जाना। सो आप देख सकते हो मैं आगे लेके आ चुका हूँ। एंड आपको क्या करना है, अगेन इसको भी आपको यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करके एडिट कर लेना है। सो उसके बाद इसे रिमूव कर लेना, रिमूव कर नेक्स्ट लाइन आप टाइप करेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप टाइप कर लेना। सो अगेन आपको यहाँ पर स्टाइल पर क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है, ठीक है। सो एडिट करके आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन टाइप कर लेंगे, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैंने जो है टाइप कर लिया। ओके, उसका कर देना है डन। तो इस तरीके से आप अपनी सॉन्ग का पूरा लिरिक्स लिख लेना। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो अपने सॉन्ग का लिरिक्स लिख लिया, इसे आपको एक बार प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका जो सॉन्ग है उसका लिरिक्स सबसे पहले लिख लेना है और आप देख सकते हो कितना शानदार इसके अंदर एनिमेशन भी आ चुका है और फॉन्ट भी काफ़ी अच्छा अप्लाई हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ओवरले, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैड ओवरले सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इमेज ऐड कर लेना। तो इन दोनों इमेज का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले इसे ऐड कर लेते और इसको ऐड करके हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे, इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते। सो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, क्रॉप पर क्लिक करेंगे और इसे आप अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना। उसके बाद कर देंगे डन। सो ये इस तरीके से क्रॉप हो जाएगा। सो अभी आपको इसे स्क्रीन पर अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। तो इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, इसका जो टाइम लाइन है आपको अपनी बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर लेना, ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ। ओके, उसके बाद क्या करना है, अगेन आपको यहाँ पर आ जाना है, बैक एड ओवरले पर क्लिक करना है, सेकंड फोटो को आपको ऐड कर लेना है, सेकंड पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया और इसको आप यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना एंड इसका भी टाइम लाइन जो आप ब्लैक बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। ओके, सो अभी आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो लिरिक्स स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो चुका है। तो अभी क्या करना है, हमें इसे इसके अंदर ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, रेनड्रॉप इफेक्ट ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करना है, सो इसको ड्रैग करके थोड़ा आगे लेके आ जाती। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। तो आपको ये जो आइकन मिलते ऊपर में इस पर क्लिक करना है। सो आपका जो लिरिक्स है सबसे पहले वो आपकी गैलरी पर सेव होगा यानी कि डिवाइस के अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे एंड रेनड्रॉप इफेक्ट ऐड करेंगे। इसके लिए आपको एक और एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है नोट वीडियो एडिटर। सो नोट वीडियो एडिटर का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने जो इमेज यूज़ किया उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद अभी हमें आ जाना है बैक इस एप्लीकेशन से। और बैक आने के बाद अभी आपको नोट वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है। सो ये रहा हमारा नोट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन, आप देख सकते हो। तो आपको इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको इसका इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। सो आपको यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लस आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है मीडिया नाम का एक ऑप्शन, ये रहा। सो आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वीडियो सिलेक्ट करेंगे और जो लिरिक्स स्टेटस वीडियो आपने क्रिएट किया हो कैपकार्ट के अंदर उसको आपको ऐड कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ चुका है, आप देख सकते हो। एक बार आपको इसे प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा वीडियो प्ले हुआ है। सो उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक प्लस आइकन मिलता है जो कि रहा ये वाला प्लस आइकन, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर मिलता है एसएस टूर, आप इस पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ग्लो स्कैन, सिंपली ग्लो स्कैन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से हर एक चीज़ों पर ग्लो आ जाएगा। सो आप देख सकते हो टेक्स्ट पर और इमेज पर। तो अभी ग्लो का कलर चेंज करने के लिए आपको ये जो मिलता है सो ये वाला वाइट एरिया, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ग्लो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। सो मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करता हूँ। उसका जो एस का लाइन मिलता है इसको आपको वही कलर पर लेके जाना है जो कलर आपने पिकर पर सिलेक्ट किया हो। सो कुछ इस तरीके से हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करना तो आप देख सकते हो हमारे टेक्स्ट पर और इमेज पर ग्लो आ चुका है। उसका अगेन आपको ये जो प्लस मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे। अगेन आप ऐसे स्टोर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। एक ऑप्शन मिलता है रेन ड्रॉप्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है ब्लर, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो इसे आप इस तरीके से नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, इसका अमाउंट इस तरीके से जीरो हो जाएगा और उसके बाद आपके टेक्स्ट पर रेन ड्रॉप इफेक्ट भी आ जाएगा, यानी कि स्टेटस पर। ठीक है, सो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे रिमूव नहीं कर सकते हो, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ एंड कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो बन के तैयार हो चुका है। सो आपको यहाँ पर लैग दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसे सेव कर लेंगे अपनी गैलरी पर तो ये बिल्कुल टिक हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट आपको इस एप्लीकेशन के अंदर ये सब दिखा रहा है, काफ़ी एक अजीब सा आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रहा है स्क्रीन पर। सो एक्सपोर्ट करने पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की साइड में होम की बगल में आपको एक आइकन मिलता है सेव का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 720p के ऊपर क्लिक करके 1080p सिलेक्ट कर लेना एंड क्वालिटी के ऊपर क्लिक करके आप इसका क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना, लाइक वेरी हाई सिलेक्ट कर लेते। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का आइकन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे। सो आपका जो वीडियो कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हो, तो इस तरीके से आप कैपकार्ट के अंदर ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।